सरकारी स्कूल में कार्यरत अध्यापक से हुए दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस ने 2 दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बामनवास थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में पदस्थापित अध्यापक ने थाने में रिपोर्ट दी थी और स्कूल से घर जाने के दौरान उसके एक बाइक चालक से लालसोट तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी थी, जिस पर मोटरसाइकिल चालक अध्यापक को बैठाकर कुछ किलोमीटर दूर तो ले गया, लेकिन लालसोट जाने के बजाय बीच रास्ते में ही वे उसे कोलेता के बिहोड़ा में ले गया और इसी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने उससे कैश, जेवर और मोबाइल भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और अब लगातार आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और कयास यही लगाया जा रहा है कि पूछताछ में भी कई खुलासे हो सकते हैं। सरकारी टीचर से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और ऐसे में टीचर ने शिकायत दर्ज कराई थी और लगातार पुलिस ने तमाम दबिशे के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब लगातार आरोपी से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी है। अभी लालसोट जाना था, इसलिए उस पर विश्वास करके बैठ गई, जिस पर उस अज्ञात व्यक्ति ने एक सुनसान जगह पर जाकर के उसके साथ रेप किया और उसके जेवर जिसमें कानों के टॉप्स वगैरह और पैरों की पाजेब, उसका स्वयं का मोबाइल और 2-3 हज़ार रुपये छीन लिए और उसको वहीं छोड़ करके भाग गया। चूँकि ये मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ था और एक घिनौना अपराध था, इसलिए हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और तुरंत हमारे पूरे पुलिस जाब्ते को इसकी अपराधी की पहचान करने के लिए निर्देशित किया गया। हमारे कॉन्स्टेबल ने तुरंत अपने मुखबिर जाल फैला करके और जो एक घेनोनी का रहने वाला भगवान साहब गुजर है, जो मोटरसाइकिल चोर है, इसको चिन्हित किया, जिसको पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया और अंततः आज हमने इसको विद मोटरसाइकिल, जिस जो वक्त घटना मोटरसाइकिल थी उसी के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया। कोटा के रामगढ़